अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका। स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। हेलो, वेलकम टू डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस, इंडियाज़ बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड 12th एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। एनरोल नाउ इन सैयद बायोलॉजिकल क्लासेस। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9011633248। नाजरीन आज 12 मई 2022 के दिन परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 16 के कॉरपोरेटर जो अपक्ष चुनकर आए हैं, कॉरपोरेटर तथा साबिका सभापति सैयद फारूक बाबा, इनका जन्मदिन उनके जनसंपर्क कार्यालय प्रभाग 16 साकला प्लाट, यहाँ पर उनके चाहने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदारों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया। उनके इस जन्मदिन के मौके पर सैकड़ों की तादाद में उनके चाहने वालों ने आतिशबाजी की, ढोल ताशे बजाए गए और पटाखे बजाकर और केक काटकर सैयद फारूक बाबा इनको जन्मदिन की मुबारकबाद दी गई, जिसमें कई परभनी महानगर पालिका के जाने माने कॉरपोरेटर, साबिका सभापति और पूरे शहर से उनके चाहने वालों ने सैयद फारूक बाबा इनको जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की पूरी टीम की जानिब से सैयद फारूक बाबा, साबिका सभापति, मौजूदा कॉरपोरेटर, इनको उनके जन्मदिन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। आज 12 मई को प्रभाग 16 के कॉरपोरेटर और परभनी महानगर पालिका के साबिका सभापति सैयद फारूक बाबा, इनका जन्मदिन उनके कार्यालय पर, जनसंपर्क कार्यालय पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और उनको मुबारकबाद देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रभाग 14 के कॉरपोरेटर शेख अहमद साहब यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। अहमद भाई, कॉरपोरेटर सैयद फारूक बाबा का आज जन्मदिन है, आपने उनको मुबारकबाद दी है और क्या कहना चाहेंगे? सैयद फारूक इनका जो है तो वार्ड दिवस साजरा यहाँ पर साकला फ्लैट के सभी नगर सेवक है, हमारे ठाकुर साहब है और हमारे रूबी वाले जो है तो इमरान मियाँ हैं और हमारे दलित चलवल के नेता, हमारे दोस्त कांबले साहब सभी यहाँ पर आए और सैयद फारूक इनको जो है तो जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए, और मैं सैयद फारूक के ऊपर एक शेर कहूँगा, उड़ाने हो ऊंची तो पर काट देते हैं, उड़ाने हो ऊंची तो पर काट देते, यहाँ अपनों ही अपनों के सर काट देते हैं। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा यहाँ पर सैयद फारूक को, और हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया, यहाँ पर इज्जत अफजाई की हमारी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रभाग 16 शिवसेना से कॉरपोरेटर विजय सिंह गुलाब सिंह ठाकुर साहब हैं, जो इसी प्रभाग 16 के कार्य सम्राट कॉरपोरेटर हैं और उनके सहयोगी कॉरपोरेटर सैयद फारूक बाबा, इनके जन्मदिन पर वो मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। ठाकुर साहब काय सांगणार, आज फारूक बाबा यांचा वाढदिवस आहे, कशी शुभेच्छा देणार? आज आमच्या वाड्याचे नगरसेवक व सभापती सैयद फारूक बाबा हे आमचे मित्र आहेत आणि आम्ही आमच्या पॅनलमध्ये आम्ही निवडून आलेलो आहेत। फारूक बाबा अपक्ष निवडून आलेले आहेत, आमचे खोबेताई काँग्रेसने निवडून आहेत आणि मी आमचे सुशील भाऊ कांबळे आम्ही शिवसेना निवडून आलेले आहेत। आमचे आमचे जे 5 वर्ष गेले आज आम्ही तीन पक्षाचे असून, म्हणजे अपक्ष, काँग्रेस आणि शिवसेना, पण आम्ही ते पक्षाला न जवळ घेता, न पक्षाला आम्ही दूर ठेवून आम्ही आमचे एक भाऊसारखे, एक बहिणीसारखे आम्ही 5 वर्ष काढले आणि आमचे 5 वर्ष आमचे आनंदात गेलेले आहे। आणि आज फारूक बाबाचा वाढदिवस वाट क्रमांक 16 मध्ये त्यांच्या ऑफिसमध्ये ऑफिसवर खूप उत्सवाने साजरा करण्यात आलेला आहे। आमचे अहमद भाई आहेत राष्ट्रवादीचे नगरसेवक, आम्ही, मी आलो विजय सिंग ठाकूर, मी शिवसेनेचा नगरसेवक आहेत आणि खूप आमचे मित्र खूप आलेले, तिथं कार्यकर्ता आलेले, फारूक बाबाचे खूप मोठा साजरा झालेला आहे हे वाढदिवस। आणि मी त्यांना कोटी 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 शुभेच्छा देतो त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त। आणि पांडुरंग चरणी मी अशीच विनंती करतो की त्यांना
अशी सगळ्यांची साथ भेटो, त्यांच्या मित्राची, त्यांच्या सहपरिवाराची, सह आमच्या सर्व लोकांची, त्यांच्या मित्रपरिवार जे काय निवडून आलो त्यांच्या संघ आता. आणि फारूक बाबा जे आहेत आमच्या वाडाचे, म्हणजे एक सिनियर आहेत आमच्यापेक्षा. माझं तर पहिलं टाइम माझं निवडून आलं, पण फारूक बाबा एक सिनियर आहेत आमचे. आणि त्यांनी आम्हाला खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं. इथं 5 वर्ष आम्ही खूप मिळून राहिलो. देवाचे तर नेहमी प्रयत्न करतो की त्यांना खुशाल ठेव, चांगलं जीवन आनंदात ठेव. आणि मी माझे 2 शब्द संपतो, जय हिंद जय महाराष्ट्र. हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए इरफान भैया, मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष और एक समाज सेवक, शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत इमरान भैया रूबी हमारे साथ में है, जो प्रभाग 16 के साबिका सभापति, मौजूदा कारपोरेटर सैयद फारूक बाबा. इनको जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए उनके जनसंपर्क कार्यालय पर आए हुए हैं. उनसे बात करते हैं कि वो मुबारकबाद देना चाह रहे हैं फारूक बाबा को. इमरान भाई, कैसे मुबारकबाद देना चाहेंगे सैयद फारूक बाबा? 12 मई आज सैयद फारूक साबिका सभापति मजलिस बल्दिया उजमा और रनिंग कारपोरेटर सैयद फारूक बाबा का आज सालगिरह है, जो कि प्रभाग नंबर 16 से कारपोरेटर है और शहर की कारपोरेशन में नुमाइंदगी करते हैं. वैसे तो सैयद फारूक बाबा का नाम और सैयद फारूक बाबा फ़िलहाल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. नौजवानों में से उभरती हुई शख्सियत और सामाजिक काम, लोगों को राहत पहुंचाने के जो काम करने का जज्बा और अज़्म लेके वो निकले हैं. मेरी अल्लाह ताला से मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला सैयद फारूक को और तरक्कियों पे पहुंचाए और इसी तरह से मजीद समाज में काम करने की तौफीक दे. और अल्लाह ताला सैयद फारूक बाबा के गुमान के मुताबिक फैसले फरमाए. और अभी तो ये टर्म ख़त्म हो रहा है, मेरी अल्लाह से उम्मीद है और लोगों से अपील है आने वाले वक्तों में भी सैयद फारूक बाबा को नुमाइंदगी करने का मौका दे. और इस सारे पस मंज़र और जो रनिंग हाल चालू है सैयद फारूक बाबा के लिए, मैं एक शेर कहूँगा. तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है. और मैं सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे बुलाए, अपनी खुशियों में शामिल किया, शुक्रिया. इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रवि भाऊ कांबड़े हैं, जो कि राष्ट्रीय समाज पक्ष और रत्नाकर गुट्टे साहब आमदार, कार्य सम्राट आमदार गंगाखेड़ विधानसभा के, उनके काफ़ी कट्टर समर्थक माने जाते हैं. उन्हीं से बात करते हैं क्योंकि वो अभी इस वक्त यहाँ पर आए हैं सैयद फारूक बाबा, इनको जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए. रवि भाऊ, आज वार्ड दिवस है फारूक बाबा यांचा, कशी शुभेच्छा देना? रासपाचे शिलेदार, महानगरपालिकेचे कर्तव्याध्यक्ष, नगरसेवक फारूक बाबा यांना वाढदिवसाच्या खूप 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 शुभेच्छा देतो. आणि रत्नाकर काका गुट्टे आज या क्षणाला या ठिकाणी येणार होते, पण काही कामानिमित्त त्यांना पाथरी मतदारसंघात जावं लागलं, त्यामुळं त्यांच्या जागी मी या ठिकाणी शुभेच्छा देण्यासाठी आवर्जून या ठिकाणी उपस्थित राहिलो. रत्नाकर काका गुट्टे मित्रमंडळकडून त्यांना भावी आयुष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा आणि सदिच्छा. हमारे साथ परभणी महानगरपालिका प्रभाग 14 ब के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर अखिल खाजी साहब हैं, उनसे बात करते हैं. वो फारूक बाबा के जन्मदिन पर उन्हें मुबारकबाद देने के लिए आए हैं. अखिल भाई, आज फारूक बाबा के जन्मदिन पर कैसे मुबारकबाद? भाई, फारूक बाबा जो हमारे सहकारी रहे 5 साल से परभणी महानगरपालिका के सदस्य, उन्होंने अच्छे से काम किए हैं, लोगों में उनके लिए जोश है, जो इतने भारी उत्साह से उनका जन्मदिन मना रहे हैं लोग. और राष्ट्रवादी क्या कांग्रेस के, और वो तो अपक्ष है, वो हमारे भी पक्ष में आ सकते हैं, कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन हर कोई इंसान अपने दिली खुशी का इजहार करने के लिए उनका जन्मदिन मनाने के लिए हाजिर हुआ है. वो अच्छे दोस्त हैं हमारे और इंशाल्लाह आगे भी सहकारी हमारे रहेंगे. एक बार फिर उनको हमारी ओर से और हैदराबाद प्लाट की ओर से जन्मदिन की मुबारकबाद. आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र. दूसरी अहम खबर नांदेड़ दक्षिण मध्य विभाग, रेलवे विभाग नांदेड़ की जानिब से, जो गुज़िश्ता दिनों में 13 मई से लेकर 29 मई तक लगभग 17 दिनों तक के लिए रेलवे गाड़ियों की जो फेरियां हैं उनको रद्द कर दिया गया था, लेकिन उसको फिर से वापस, उस आदेश को कैंसिल करके वापस से 17
दिनों की जो रेलगाड़ियां थी उनको वापस से शुरू रखने के आदेश दिए गए हैं। अब 13 मई से लेकर 29 मई तक ये रेलगाड़ियां चालू रहेंगी। अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता दिनों में जो दक्षिण मध्य रेलवे विभाग नांदेड़ ने जो आदेश निकाले थे, जिसमें 13 मई से लेकर 29 मई लगभग 17 दिनों तक गाड़ियां की जो फेरियां हैं उसको रद्द कर दिया गया था, जिसमें निज़ामबाद पुणे दौंड निज़ामबाद और उसी के साथ निज़ामबाद पंढरपुर निज़ामबाद, इन गाड़ियों को रद्द कर दिया गया था। लेकिन इन्हें दोबारा से चालू करने के आदेश दक्षिण मध्य रेलवे विभाग नांदेड़ ने दिए हैं, और ऐसा आषाढ़ी एकादशी को देखते हुए ये आदेश यात्रियों की विनंती पर लिया गया है, ऐसी मालूमात दक्षिण मध्य रेलवे विभाग ने लिए हैं। तो ही आपको बता दें कि 13 मई से लेकर 29 मई तक निज़ामबाद पुणे दौंड निज़ामबाद और निज़ामबाद पंढरपुर निज़ामबाद, ये गाड़ियां पहले के टाइम टेबल पर ही जारी रहेंगे। जिनको 17 दिनों के लिए कैंसिल करने के आदेश दिए गए थे उसे वापस से बहाल कर दिया गया है। अब ये गाड़ियां अपने पुराने टाइम टेबल पर ही चलेंगी, ऐसी मालूमात नांदेड़ जनसंपर्क विभाग की तरफ से दिए गए हैं। आइए नाजरीन डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर दिल दहला देने वाली खबर है, और तमाम पेरेंट्स को अपने बच्चों की केयर करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है वो इस खबर से पता चल जाएगा, क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं और हर घर में लगभग कूलर सभी के घरों में मौजूद है, और कूलर की वजह से 12 मई की दोपहर को परभनी शहर के दरगाह रोड पर रहने वाले मुकरम खान जो कि दूध वाले हैं, उनके फर्जन मुदस्सिर खान का कूलर की वजह से, कूलर का शॉक लगने की वजह से उस बच्चे की मौत हो चुकी है, बच्चा शहीद हो चुका है। और ये एक दिल दहला देने वाली खबर है, और तमाम पेरेंट्स को अपने बच्चों को कूलर से या इलेक्ट्रिक के लाइट के किसी भी लाइट के सामान के पास जाने से रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसे हो जा रहे हैं। और ये जो हादसा हुआ है ये इतनी बड़ी घटना है कि इससे उन माँ बाप पर क्या गुजरी होगी जिनका बच्चा हंसता खेलता हुआ बच्चा उनकी नज़रों के सामने से चला गया। ये दिल दहला देने वाली घटना 12 मई की दोपहर को सामने आई है। परभनी शहर के खाजी मस्जिद कॉम्प्लेक्स दरगाह रोड, यहाँ पर मुकरम खान दूध वाले, इनका मासूम बेटा जिनका नाम मुदस्सिर खान था, 12 मई की दोपहर कूलर का शॉक लगने की वजह से ये बच्चा शहीद हो चुका है। इस बच्चे की नमाज जनाजा रात 10 बजे 12 मई की रात 10 बजे खादराबाद कब्रिस्तान में अदा की गई है। अल्लाह ताला इस बच्चे की मग़फ़रत फरमाए और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। गुज़िश्ता 9 मई 2022 को परभनी शहर की मशहूर मारूफ सियासी और सामाजिक शख्सियत शेख नासिर भैया, इनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे परभनी शहर में मनाया गया। शेख नासिर भैया जो कि परभनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर महानगर उपाध्यक्ष भी है, और एक बेहतरीन सामाजिक खिदमतों में उनको सरफहरिस्त देखा जाता है। शेख नासिर भैया ने तमाम उनके चाहने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदार और ख़ानदान वालों की तरफ से जो जन्मदिन की मुबारकबाद दी गई है उन तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया है। काल माझा वाढदिवस झालेला आहे आणि विविध क्षेत्रातून मला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। आता माझ्याकडे शब्द नाही आहेत व्यक्त करायला, कारण मी एक साधारण क्षेत्रातून आलेला माणूस आहे आणि मला आता एवढा भरभराटीचा प्रतिसाद इथून भेटत आहे। माझी तशी राजकीय कोणची पार्श्वभूमी नसतानाही मला लोक माझ्या फक्त स्वभावामुळं एवढं प्रेम करत आहात। मला ॲक्सेप्ट नव्हतं असा माझा वाढदिवस साजरा करतील विविध क्षेत्रातून, शैक्षणिक क्षेत्र असेल, व्यापाराचं क्षेत्र असेल, काही माझे डॉक्टर्स मित्र आहेत, मी जिथं काम करतो कॉन्ट्रॅक्ट ZP असेल, SBI असेल, BSNL असेल, ह्या सर्व क्षेत्रातून सर्व अधिकाऱ्यांनी मला स्वतः भेटून माझ्या ऑफिसला येऊन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सोशल मीडियाद्वारे शुभेच्छा दिल्यात। माझ्याकडे शब्द नाही आहे त्यांचा आता आभार व्यक्त करायला। धन्यवाद।
वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाज़रीन, फिर किसी और ख़बर के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़। हेलो, वेलकम टू डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस, इंडिया बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड 12th एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक नीट। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। एनरोल नाउ इन सैयद बायोलॉजिकल क्लासेस। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9011633248।